तो आज हम खेलने वाले हैं 30 वेज टू डाई इन माइनक्राफ्ट। तो मेरे हिसाब से मरना मुश्किल नहीं होगा माइनक्राफ्ट में, क्योंकि हम वो हर टाइम करते रहते हैं। तो अब हम इस मैप की स्टार्टिंग में आ चुके हैं और यहाँ पर काफी स्केरी है, क्योंकि यहाँ पर बोन्स और स्केलेटन के हेड्स पड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी है जो हमें पढ़ने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मरना शायद इतना मुश्किल नहीं होने वाला है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं लेवल 1 पे इस मैप के। अब देखते हैं इस चेस्ट में क्या पड़ा है। इस चेस्ट में कुछ आयरन के ब्लॉक्स और कुछ टूल्स पड़े हैं और 5 लैडर्स पड़ी है। शायद हमें इसमें फॉल डैमेज लेके मरना है, तो चलो इतना इजी होने वाला है ये, जल्दी से मैं करता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स और लैडर्स को प्लेस कर दिया। अब जल्दी से ऊपर चढ़कर नीचे गिरना शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहली जंप में कितना डैमेज मिलता है। सिर्फ 1 हार्ट गया है जो वापस रिकवर हो चुका है। तो कंटिन्यूसली मुझे बार बार जंप मारते रहना पड़ेगा और देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। A few moments later. और अब शायद से ये हमारी लास्ट जंप होने वाली है। बिल्कुल सही, और ये लेवल 1 इतनी आसानी से क्लियर हो चुका है। तो फाइनली अब हम लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से चेस्ट में देखते हैं क्या है। थोड़े से ब्लॉक्स, एक पिकैक्स और एक वाटर बकेट है इसमें। सो आई गेस हमें इसमें ड्राउन होना है, तो ये इजी होने वाला है हमारे लिए। जल्दी से मैं एक अपने लिए टब सा बिल्ड कर देता हूं और उसमें पानी भर के जल्दी से ड्राउन होते हैं। जल्दी से मैं एक वाटर बकेट ऊपर प्लेस कर देता हूं और वेट करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I am under the water. Please help me. Here too much raining. और फाइनली काफी देर की वेट के बाद अब हमें डैमेज मिलना स्टार्ट हुआ है। ये लेवल काफी इजी है, बट टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा हमारे लिए। माइनक्राफ्ट में भी हमारे कैसे दिन आ गए, हम मरने का वेट कर रहे हैं माइनक्राफ्ट में। गाइस हमारा लेवल 2 भी बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है, और इसी के साथ अब हम आ चुके हैं लेवल 3 पे, लावा फॉल। यहाँ पर मुझे कोई लावा तो दिख नहीं रहा है, बस फॉल के लिए एक जगह दिख रही है। ओके, सो शायद नीचे लावा है और मुझे यहीं से स्ट्रेट गिरते जाना है। बट ये क्या हुआ, मैं वापस टेलीपोर्ट हो गया स्टार्टिंग पे। शायद नीचे प्रेशर प्लेट्स है जो हमें स्टार्टिंग में टेलीपोर्ट करेगी। अवॉइड करता हूँ इन प्रेशर प्लेट्स पे गिरना और डायरेक्ट जंप मारता हूँ। और ये क्या, हम फॉल डैमेज से मर गए बल्कि लावा में गिरने से नहीं मरे। बट हमारा क्या है, हमारा लेवल पार हो चुका है और हम किसी ग्लिच की वजह से वॉइड में जाके फंस गए थे। बट अब मुझे लेवल 4 मिल चुका है, जो मुझे खुद ढूंढना पड़ा है। काफ़ी देर लग गई थी, बट चलो अब जल्दी से लेवल 4 में डायरेक्टली एंट्री लेते हैं। तो अब चेक करते हैं इस चेस्ट में हमारे लिए क्या रखा है इस बारी। सिर्फ एक पोशन जिसपे लिखा है एंटी ग्रेविटी पोशन। तो जल्दी से इसके अपने ऊपर फेंक के देखते हैं ये हमें एंटी ग्रेविटी इफेक्ट देता है कि नहीं। और मैंने स्प्लैश पोशन अपने ऊपर यूज कर लिया है, बट हो कुछ नहीं रहा है। आई गेस ये भी कोई ग्लिच है, क्योंकि मैं न्यू वर्जन में खेल रहा हूँ और ये मैप 1.64 के लिए बना है। सो आई गेस अब हमें खुद ही जाकर लेवल 5 पे पहुंचना पड़ेगा, और ये बिना लेवल 4 क्लियर करे हम लेवल 5 पे आ चुके हैं। जल्दी से चेस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो चेस्ट में से हमें काफ़ी रेडस्टोन का सामान मिल चुका है, और आई गेस अब हमें एक रेडस्टोन मशीन बनानी है जो एरो शूट करेगी। तो ये बनाना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है हमारे लिए। जल्दी से मैं एक रेडस्टोन क्लॉक बनाता हूँ और इसे कनेक्ट करते हैं डिस्पेंसर के साथ। तो आई गेस अब हमारी रेडस्टोन मशीन तैयार हो चुकी है, बस हमें क्लॉक को एक्टिवेट करना है अब। तो जल्दी से एक रेडस्टोन टॉर्च प्लेस करके मैं जल्दी से एरोस प्लेस करता हूँ इसमें, ताकि जल्दी से जल्दी ये लेवल पूरा होए। और अब मैंने डिस्पेंसर के अंदर अपनी एरोस को प्लेस कर दिया, बट कुछ हो नहीं रहा है। आई गेस इसमें थोड़ी रेडस्टोन वायरिंग की प्रॉब्लम है। और अब मैंने रेडस्टोन सही कर दिया, अब जल्दी से एरोस प्लेस करते हैं। यस, अभी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और हमें डैमेज भी बहुत तेज मिल रहा है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स का।